चुनाव आयोग द्वारा मतदान दिवस के दिन मतदान का प्रतिशत प्राप्त करने हेतु पीठासीन अधिकारी हेतु एक ऐप बनाया गया है, जिसे मत प्रतिशत ऐप कहा जाता है। इस ऐप के माध्यम से मतदान केंद्र पर मतदान करने वाले पुरुष एवं महिलाओं की जानकारी प्रति 2 घंटे में ऐप के माध्यम से प्राप्त की जाएगी। इस हेतु इस ऐप पर पीठासीन अधिकारी का रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। इसके लिए पीठासीन अधिकारी द्वारा अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, जो कि उन्होंने इलेक्शन कार्यालय में दिया हुआ है। इसके लिए अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर यहां पर मत प्रतिशत ऐप को सर्च करना होगा और सर्च करने के बाद अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज कर उस पर OTP प्राप्त करना होगा। OTP प्राप्त कर यहां पर लॉगिन बटन पर क्लिक करें। अब जिस दिन आपका सामग्री वितरण रहेगा, उस दिन सुबह सामग्री प्राप्त होने के बाद जब आपकी पोलिंग पार्टी रवाना हो जाए तो ऐप को ऑन कर पोल पार्टी डिस्पैच ऑप्शन पर यस बटन पर क्लिक करें। इसके बाद अगली रिपोर्ट आप अपने मतदान केंद्र पर पहुंच जाएं, तब आपको दर्ज करनी होगी पोलिंग पार्टी रीच्ड ऑप्शन पर यस बटन पर क्लिक करें। इसके बाद बची हुई जानकारी आपको मतदान दिवस के दिन दर्ज करनी है। मतदान दिवस के दिन प्रातः जब आपका मॉक पोल स्टार्ट हो तो मॉक पोल स्टार्ट में यस पर क्लिक करें। जब आपका मॉक पोल संपन्न हो जाए तो मॉक पोल एंड की जानकारी पर यस पे क्लिक करें। इसके बाद जब आपके CRC की प्रक्रिया संपन्न हो जाए तो CRC डन वाले टैब में यस पर क्लिक करें। अब सभी प्रक्रिया के बाद जब आपका पोल स्टार्ट होता है तो पोल स्टार्ट होते ही यहां पर यस टैब पर क्लिक करें। आपका मतदान प्रारंभ होने के बाद आपको प्रति 2 घंटे में मतदान की जानकारी डालनी है। प्रथम जानकारी आपको प्रातः 9 बजे डालनी है, जिसमें 7 से 9 बजे तक कितने पुरुष और महिलाओं ने मतदान किया है उसकी जानकारी आप यहां पर नंबर में दर्ज करेंगे। इसी प्रकार अगली जानकारी आपको 11 बजे 7 से 11 बजे वाले टैब पर क्लिक कर पुरुष और महिलाओं की जानकारी डालनी है। यहां पर आप कम्युलेटिव वे में जानकारी डालनी है, जैसे सुबह 7 से 9 में 15 पुरुष और 25 महिलाओं ने की थी, तो 7 से 11 के बीच में 15 पुरुष और मतदान करके गए तथा 10 महिलाएं मतदान करके गई हैं, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा पुरुष का 30 और महिला का हो जाएगा 35। तो इस प्रकार आप बढ़ते क्रम में प्रत्येक 2 घंटे में जानकारी आप दर्ज करेंगे। इसके बाद आपको आखिरी फाइनल जानकारी मतदान समाप्ति पर डालनी है, जो कि जानकारी आप अपनी पीठासीन की डायरी में दर्ज करेंगे। इसके बाद मतदान समाप्ति के पश्चात जब आप कंट्रोल यूनिट की क्लोज बटन दबा दें तो वह जानकारी आप अपने ऐप के माध्यम से यहां पर दर्ज कर दें। इसके बाद जब आप सामग्री जमा केंद्र पर पहुंच जाएं तो सामग्री जमा केंद्र पर वापसी के हाँ टैब पर क्लिक कर जानकारी दर्ज करें। इसके बाद जब आपके द्वारा सामग्री काउंटर पर जमा कर दी जाए तो आखिरी जानकारी आप यहाँ पर दर्ज करेंगे। इस प्रकार समस्त जानकारी आपके मत प्रतिशत ऐप के माध्यम से दर्ज हो जाएगी।